डाउटनट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। अभी जो क्वेश्चन है हमें कहता है कि हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ यू नो इट्स डेंसिटी एंड डायमेंशन ऑफ इट्स यूनिट सेल, एक्सप्लेन। ठीक है, तो हम देखते हैं इसे। तो हम कहते हैं कि लेट ए पिकोमीटर्स बी द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अगर वो ए पिकोमीटर्स है तो वो सेंटीमीटर्स में कितनी होगी, ए इंटू 10^-10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल के बारे में, तो मेरे पास यूनिट सेल जो है वो क्या है, एक क्यूब है। तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, उसकी एज लेंथ का क्यूब। सो ए इंटू 10^-10 होल क्यूब, जो ए है मेरे पास क्या है, वॉल्यूम है, और इसके यूनिट्स सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब मेरे को ये पता है कि जो भी मेरे पास डेंसिटी होगी ऑफ द यूनिट सेल वो मेरे पास क्या होगी, वो होगी मेरे पास इक्वल टू मेरे पास जितना मास होगा यूनिट सेल का अपॉन मेरे पास जितनी वॉल्यूम होगी यूनिट सेल की। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरे को वॉल्यूम तो मेरे को पता लग गई क्योंकि मैंने अब वॉल्यूम फाइंड आउट कर ली। अब अगर मैं बात करती हूँ मास ऑफ द यूनिट सेल के बारे में, तो ये मेरे पास कितना होता है, ये मेरे पास होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम। ठीक है, तो ये मास ऑफ द यूनिट सेल जो है वो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम। तो अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल के बारे में बात करूं तो वो मेरे पास कितना आता है, जेड इफेक्टिव, ठीक है, जो भी हम फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम कितना होगा, एटॉमिक मास, अब ओवर एवोगैड्रोस नंबर जो कि होता है एनए। ठीक है, तो मैं इस चीज को पुट करती हूँ किस में, इस इक्वेशन में जो हमने अभी लिखी डेंसिटी वाली। ठीक है, और इस वैल्यू वॉल्यूम को भी मैं पुट करूंगी इस इक्वेशन में। तो मेरे पास अल्टीमेटली आया क्या, मेरे पास अल्टीमेटली आया कि जो मेरे पास डेंसिटी है यूनिट सेल की वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है जेड इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ओवर एवोगैड्रोस नंबर जो कि था मेरे पास मास ऑफ द यूनिट सेल, और नीचे कहना चाहिए था वॉल्यूम। तो मेरे पास वॉल्यूम कितनी है, ए इंटू 10^-10 का होल क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसने क्या बोला था, इसने बोला था हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल, तो यहाँ से हम एटॉमिक मास निकाल लेते हैं कि मेरे पास जो एटॉमिक मास है वो इक्वल होगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एन ए मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू 10^-10 का क्यूब डिवाइडेड बाय जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक मास का फॉर्मूला।